कहता है अपने पास एक वेक्टर है, ठीक है, और वो दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो एक अल्फा एक अननोन आ गया है इसमें, तो उस अननोन की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस 8k कैप, ठीक है। अब अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए डॉट बी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ए को लिखा, फिर डॉट लिया बी को, बी कहाँ गया भैया, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के कैप दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब आप सबको आता होगा डॉट लेने, आई का आई, जे का जे, के का के, तो टू टू आई का आई के साथ करो, आई किधर है, माइनस इधर है, बच्चे हैं मैनुअली गलती कर देते हैं, तो यार 2i इधर है और -4 इधर है, तो यह जाएगा -8, ठीक है। 3j इधर है और j इधर है, +12, ठीक है, +8k इधर है, अल्फा के इधर है, तो 8α दैट इक्वल टू जीरो। तो 8 4 4, ठीक है, 4 और 4 4 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू -1/2, अल्फा इज इक्वल टू -1/2, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है, आता नहीं यार जो